नमस्कार, साई मुस्कान में आपका स्वागत है। जय साईना। शिरडी के साई बाबा, जिनके चिंतन मात्र से सभी परेशानियों का होता है हल, आज हर कोई जानना चाहता है उनके बारे में। ऐसे ही संत की हम पुराने से पुरानी फोटोग्राफ्स लेकर आए हैं आपके सामने, जिनको देखने से आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। आज हम शिरडी के साईं बाबा की वो तस्वीरें लेकर आए हैं जिनको देखकर आपका मन भक्ति भाव में चला जाएगा। शिरडी के साईं बाबा, अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। कोई कहता है बाबा हिंदू थे, कोई कहता है बाबा मुसलमान थे, लेकिन बाबा ने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करी, क्योंकि बाबा सर्वधर्मी थे। आज बाबा की समाधि को पूर्ण रूप से 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और शिरडी साईं बाबा संस्थान ने इसको बहुत हर्षोल्लास से बनाया है। आज पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया साईं में हो गई है और शिरडी साईं बाबा की बातें ही करती है। क्यों ना हो, क्योंकि शिरडी साईं बाबा के दर से आज तक कोई खाली नहीं गया। कहते हैं सच्चे मन से कोई एक बार उनसे मांगता है तो उसकी मुरादें जरूर पूरी होती हैं। देश ही नहीं, विदेशों के अंदर भी शिरडी साईं बाबा के मंदिरों का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। ऐसे ही संत की कुछ ऐसी तस्वीरें जो बहुत दुर्लभ तस्वीरें हैं, उनको हमारी टीम ने इकट्ठा किया है और वो आपके समक्ष रख रहे हैं। यह है तस्वीर, शिरडी साईं बाबा की ओरिजिनल तस्वीर है। और यह तस्वीर, बाबा इस पत्थर पे बैठे हैं जिस पे लाखों लोग अपना माथा नवाते हैं। ये वही पत्थर है जो द्वारका माई में रखा हुआ है और लाखों भक्त इस पर आके अपना माथा टेकते हैं। यह बाबा की द्वारका माई का फोटो है। यह बाबा का बहुत अद्भुत फोटो है और इसमें सभी उनके साथी नजर आ रहे हैं जो बाबा के हमेशा अंग संग साथ रहा करते थे। यह शिरडी के साईं बाबा का वो अद्भुत फोटो है जब बाबा भिक्षा मांगने घर घर जाया करते थे और लोग उनको निहारा करते थे। बाबा का यह अद्भुत फोटो है जब बाबा ने महासमाधि ली थी। और ये दूसरा फोटो आप देख रहे हैं, बाबा उनको समाधि मंदिर में ले जाते हुए शिरडी साईं बाबा का फोटो है और लाखों की संख्या में बाबा के भक्त उनको लेके जा रहे हैं। यह शिरडी साईं बाबा की वो समाधि है जिसे भक्त नहीं देख पाते हैं और सिर्फ ऊपर से माथा टेक के चले जाते हैं। यह है शिरडी साईं बाबा का वो मंदिर है जिसमें सभी अपना माथा टेकते हैं और अपनी मुरादों पूरी करते हैं। यह है शिरडी साईं बाबा का वो मंदिर है जहाँ पे बाबा को नाम मिला था आओ साईं के नाम से, खंडोबा मंदिर, जहाँ बाबा एक बारात के साथ आए थे। बाबा अपने जीवन में जो भी मांगकर लाते थे वो सबको खिलाते थे। उन्हीं से एक फोटो ये है कि बाबा जो भी लेकर आए उन्होंने अपने पास बैठे कुत्ते को खिला दिया। यह बाबा का गुरु स्थान है जहाँ नीम का पेड़ लोग देखते हैं। यह वही नीम का पेड़ है जहाँ और नीम के पेड़ों से इस नीम के पेड़ के पत्ते कम कड़वे होते हैं। शिरडी के साईं बाबा अपने जीवन शैली का खाना, सोना, स्नान करना, इनसे ज्यादा वो अपने कर्म में विश्वास रखते थे और कोई भी भक्त उनके यहाँ से निराश नहीं जाता था। सर्वप्रथम सबकी परेशानियों को सुनते थे। वहीं शिरडी के साईं बाबा आज भी अपने भक्तों की बातों को सुनते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो ये थी कुछ अद्भुत फोटो जो शिरडी के साईं बाबा के 100 वर्ष पुरानी है लगभग। यह वही सभी तस्वीरें हैं जैसे बाबा पहले दिखते थे और आज भी वैसे ही दिखते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर शिरडी साईं बाबा के बारे में आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर हमें बताएं, हम जरूर आपको वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। जय साईनाथ।